यार प्रोग्राम ये है कि कार के अंदर एक चूहा घुस गया था आराम से ज्यादा, अब तो आराम ज्यादा जाल बिछाया था एक तो आराम ज्यादा कुत्ते की मौत मर चुका है। अच्छा ये जाल बिछाया था मैंने, ठीक है क्या आरामी जाल है, इसमें तो नहीं आया लेकिन ये जो नीचे वाला जाल है ना, मैं प्रोमो भी दिखा देता हूँ, देखे आपने इसमें एक आया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका उसको मैंने बाहर फेंक दिया, लेकिन इस वक्त गाड़ी में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। शायद प्रोग्राम ये है कि कार के अंदर एक चूहा घुस गया था आराम से ज्यादा, अब तो आराम ज्यादा था, मैंने जाल बिछाया था एक तो आराम ज्यादा कुत्ते की मौत मर चुका है। अच्छा लेकिन कुछ मेरे जहर डाल रखा था बाहर, ठीक है तो फिर उसको आपने कुत्ते की मौत मारे वो तो नहीं मरा। हाँ ना इस तरह का है आप कातिल हैं चूहों के, कातिल हैं जो दूसरा हरामी है शायद अंदर मर चुके और अंदर अतरे कपूर के जो बदबू है ना अच्छा वो शुरू हो चुके हैं, तो मैं उसकी तलाश करूं, ये सारी सीटें वगैरह निकालनी होंगी और उसको बाहर फेंक लूंगा क्योंकि इस वक्त अंदर बैठना नामुमकिन है। वैसे आपने हफीज भाई वैसे आपने कत्ल किया है, आप ये कत्ल कबूल करते हैं? जी जी मैं बिल्कुल आशा भाई ऐलान दो वो मैं उसको कबूल करता हूँ। ओहो क्या बात, रिश्तेदार आया वो उसे देखने के लिए, आगे जितने भी आएंगे मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। ओहो आ जाओ मेरे, ये मैंने ये देखें ये दिखा है नाजरीन को, ये जाल बिछाया था मैंने, ठीक है क्या आरामी जाल है, इसमें तो नहीं आया लेकिन ये जो नीचे वाला जाल है ना। अच्छा इसमें मैं प्रोमो भी दिखा देता हूँ, देखे आपने इसमें एक आया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका उसको मैंने बाहर फेंक दिया, लेकिन इस वक्त गाड़ी में से बहुत गंदी बदबू आ रही है, शायद अंदर भी कोई मरा पड़ा हुआ है। अच्छा सीटों वगैरह के नीचे हम चेक करेंगे और नीचे से निकालेंगे, अगर मिल गया आपको दिखाना जरूरी नहीं, वैसे आपका दिल ही ख़राब होगा तो उसको फेंक देंगे और गाड़ी को धूप में रखेंगे, इसको वॉश करेंगे बाद में ताकि इसमें से ये बदबू खत्म। अच्छा अच्छा चले तो इंतजार करते हैं फ्रंट सीट पे, ये डिग्गी डिग्गी में तो आपने देखा ही ना पड़ा हो डिग्गी में, नहीं नहीं इधर नहीं है ये जगह साफ है। अच्छा अच्छा अंदर आपको क्या लगता है यार ये यही इस एरिया में कहीं पे है, देखें पीछे नहीं नहीं पीछे में पूरी गाड़ी में आ रही है। नहीं नहीं यार इधर फ्रंट से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, क्या पास शायद का यही पड़ा मरा पड़ा हुआ हो। यार इस सीट के नीचे तो साफ नजर आ रहे हैं। रफीक भाई आपकी कार बेसी मॉडल है जी जी, मुझे लगता है आपने इसको मॉडिफाई किया है। यार देखें मॉडिफाई किया था यार पीछे भी कुछ तीन चार माशाल्लाह, देखें ऑटोमेटिक गियर है, स्क्रीन भी है, ये और ये भी चूहे ने खाया, ये देखा आपने। हाँ मेरा ख्याल लेटर पे कोई लिखा भी है, वो तो ऐसे नंबर लगा लिखा है कि मैं दिमाग में आता हूँ दिल में नहीं, आज दफा आपके जाल में आ गया। फिर मतलब की प्रति थी कौन से डॉक्टर था, ये तो उसके वो है ना वो क्या कहते हैं पोटी है उसकी। अच्छा, और ये उसने वो जो किताब नहीं रखी थी वो काट काट कर उसने फेंकी है। कौन सी किताब, वो नहीं होती वो जिस पे मैजिक से लगा होता है। अच्छा अच्छा मैं मुझे लगा चूंकि कोई शायद चूंकि कोई अपनी किताब है, रेड ट्रैप कहते हैं ना उसको। अच्छा अच्छा ये जाल है आपका। अच्छा देखो इधर आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे साथ लेकर आए थे लेकिन आपको ये गैरेज भी यार बहुत खराब है, देखे फाइनली हमें मिल गया है, जो तो नहीं लेकिन आई थिंक उनका कोई बच्चा वगैरह होगा क्योंकि फ्रंट सीट के नीचे से हमें मिला है, ये आप देख सकते हैं, ये समथिंग जो इतनी बदबू जिसकी वजह से फैली हुई है, हमने बहुत ज़्यादा ख्वारी कर ली थी, ये देखें सीटें निकाल ली हैं। सो फ्रंट सीट के नीचे से ये देख सकते हैं आप हमें ये मिला है, सो आई थिंक ये इसका बच्चा था जिसकी वजह से काफ़ी 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 गंदी बदबू फैली हुई है पूरी गाड़ी में, जो मेरा मतलब है हौसला है कि मैं इस कार के अंदर बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान इसने किया है,
एक बच्चा तो नीचे फेंक दिया है, एक दूसरा भी मिल गया है। मतलब यहाँ पर ये फीमेल थी आई थिंक, यस। और काफ़ी गंद फैला हुआ, बहुत ज़्यादा बदबू है यार, वाए 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 वाए। और ये फ्रंट सीट के नीचे था सब कुछ। सो ये पिछली सीटें भी हमने निकाल ली थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। इस फ्रंट सीट के नीचे वो सारा गंद बना हुआ था। और अब हम इसको फिक्स करेंगे, थोड़ी देर गाड़ी धूप पे खड़ी है ताकि इसमें ये बदबू ख़त्म हो जाए। अब इस सीट को फिक्स करने का पूरा ड्रामा है। वो बस ये है।